अभी हम बात करते हैं नेम की एनर्जी को कैसे देखते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, किसी का नाम राजेश है, ठीक है, तो इसका फर्स्ट अल्फाबेट क्या बताता है? आर की एनर्जी बताओ जी, क्या नाम है? नेहा अग्रवाल। सर आर आर की की एनर्जी एनर्जी, जी। सर आर है नंबर 2 मून। नेहा, आर की एनर्जी बता अल्फाबेट से, कुछ सर बातें लिखी आर होंगी। ये अट्रैक्टिव होते हैं, जेनरस होते हैं, थोड़े जेंटल होते हैं, काम होते हैं, ये जी गुड। फ्रेंड्स इजीली बना लेते हैं, तो दे वो आप उनके बातों में भी वो बातों से अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये एनर्जी आप फर्स्ट अल्फाबेट से देख के बता सकते हो कि जिन भी नेटिव का नेम आर से स्टार्ट होगा तो उनके अंदर क्या क्या क्वालिटी होगी। नया बुरा वो दोबारा अट्रैक्टिव रहेंगे, काइंड जी। रहेंगे, जेनरस रहेंगे, जेंटल भी रहेंगे, अपनी बातों से वो लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, ये फ्रेंड्स भी इजीली बना सकते हैं, और ये लर्निंग को बहुत सीरियसली लेते हैं और लास्ट मिनट तक वो लर्न कर मतलब करने की तैयारी रखते हैं जी तो और किसी को हर्ट नहीं करते। यस, अब ये नेटिव अगर हमारे पास आता है तो ऐसी कंडीशन में आप इसको एक्सप्रेशन नंबर बताओगे इसके बारे में कि क्या एक्सप्रेस करता है ये। तो एक्सप्रेस करने का फॉर्मूला क्या होता है कि टोटल वोवल इन योर नेम। तो वोवल कौन कौन से होते हैं बताओ। ए और ई है सर इसमें बस, ए आई ओ यू ए आई ओ यस। यू, और हाँ इसमें ए ए और ई और आ रहा है ई जी। क्या बाबा जी, इसमें, ए और एक एक करके, एक एक करके। ई ओ यू होते हैं, और जो राजेश है इसमें ए और ई ही है सिर्फ, और ए की ओके वैल्यू है 1 और ई की 5, तो इसका एक्सप्रेशन नंबर 6 हुआ। यस। तो 6 नंबर की क्वालिटी क्या होगी एक्सप्रेशन नंबर में? आउटर वर्ल्ड में ये अपने आप को कैसा दिखाते होंगे राजेश जी, बुरा साहब कैसा दिखाते होंगे? नंबर 6 की क्वालिटीज क्या है? केयरिंग, फैमिली लवर, ऐसे दिखाते हैं, और लग्जरी, नंबर 6 की मेन लग्जरी एनर्जी है लग्जरी। तो ऐसा नेटिव लग्जरी अपने आप को एक्सप्रेस जो करेगा वो लग्जरी के लिहाज से करेगा जी। रोमांटिक होगा, लविंग होगा, केयरिंग होगा, तो ऐसा नेटिव एक्सप्रेस करेगा। अब दूसरा फॉर्मूला आता है इंप्रेशन नंबर का, नेटिव इंप्रेशन क्या करेगा, ठीक है। बेसिकली वो रियलिटी में है कैसा, ये तो वो नेटिव दिखा रहा है कि मैं ऐसा हूं, ठीक है, लेकिन इंप्रेशन मतलब नेटिव खुद क्या है। तो 21 कॉन्सोनेंट होते हैं जो कि मैंने आपको बता रखे हैं, कौन कौन से होते हैं वो तुम्हें पता होगा। इसमें कॉन्सोनेंट कौन कौन से है और उनको टोटल करना जरूरी होता है, बताओ। सर इसमें आर जे एस और एच हैं कॉन्सोनेंट्स, क्या क्या है आर जी? जे जी एस जी करो एच। जी इनका टोटल। सर 2 आया, एक्सप्लेन करो कैसे इनके। सर टोटल वैल्यू 2, आर की वैल्यू है 2, जे की 1 और एस की 3 और एच की 5, इनको सबको टोटल करेंगे तो 11, 11 से बनता है 2, 2 मून को रिप्रेजेंट करता है। जी नंबर 2, तो रियलिटी में ऐसा नेटिव सेम सा ही होगा क्योंकि नंबर 2 की क्वालिटीज क्या है। ऐसा नेटिव लविंग होगा, केयरिंग होगा, केयर दिखाएगा, ठीक है। क्योंकि नंबर 2 एंड नंबर 6 जिन जिन प्लैनेट को गवर्न करते हैं दोनों ही फीमेल प्लैनेट है, तो दोनों केयर को दिखाते हैं। यानी कि नेटिव अपने आप को लग्जरी से तो दिखाएगा, ठीक है, लग्जरी तो दिखाना चाहता है, लेकिन रियलिटी में अंदर वो मात्र प्रेम से जुड़ा हुआ है, चंद्र की एनर्जी से जुड़ा हुआ है, बहुत ज्यादा केयरिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, समझदार है। ओके, ऐसे नेटिव का हैबिट नंबर क्या होना चाहिए, मतलब ऐसा नेटिव कैसी हैबिट्स होंगी। तो हैबिट नंबर का फॉर्मूला क्या है? टोटल ऑफ लेटर, ठीक है 6 नंबर है। जी। तो 6 नंबर हैबिट आता है ऐसी कंडीशन में, जो जो उनके अल्फाबेट है टोटल कितने हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो हैबिट नंबर 6 है, तो ऐसा नेटिव जो एक्सप्रेशन नंबर से भी 6 है और हैबिट भी इसकी शुक्र वाली। शुक्र क्या है? फाइनेंस, पैसा, लग्जरी। तो कुछ बेसिक स्ट्रक्चर आपने देखा कि इस नेम की क्वालिटीज क्या क्या होंगी। नेक्स्ट नेम जो हम लेते हैं वो है सुनील। मान लो किसी नेटिव का नाम सुनील है, तो इस नेटिव की हैबिट्स क्या होंगी। हैबिट्स में देखो 1 2 3 4 5,
राइट। तो नंबर फाइव की क्वालिटीज क्या है? लॉजिकल होगा, हैबिट होगी, मजाकिया होगा, नंबर फाइव जोकर भी होता है, इंजॉय करने वाला। बुध क्या है? रिपीट करने वाला, लर्निंग। ठीक ये है, कम्युनिकेशन भी अच्छे होंगे कम्युनिकेशन स्किल्स काफी अच्छी होगी, राइट। अकाउंट्स में, फाइनेंस में अच्छा करेगा, बैंकिंग में जा यस यस, सकता है। गुड गुड। बैंकिंग, फाइनेंस, इन पैसों में, इन चीजों में जा सकता है। ओके ऐसे नेटिव का, मान लो किसी नेटिव का नाम सुनील है, ठीक है, ऐसे नेटिव को सपोर्ट कौन करेगा? सपोर्टिव नंबर हम जब, सोल्यूशन कौन देगा, सपोर्ट कौन करेगा? तो वो हम कैसे देखते हैं? फर्स्ट अल्फाबेट से, फर्स्ट लेटर ऑफ जी। फर्स्ट लेटर ऑफ नेम। मान लो इसका नाम सुनील कुमार है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? दोनों फर्स्ट एस लेटर को ले लेंगे, एस और के सर, यस। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? इनको सपोर्ट कौन करेगा? एस की एस वैल्यू के क्या साथ है? नंबर जुपिटर 3 एस की वैल्यू 3 है, और सर के की वैल्यू 2 2 यस। तो इनको सपोर्ट नंबर 5 करेगा। नंबर 5 की एनर्जी क्या है? बहन दे सकती है, फाइनेंस दे सकता है, फ्यून से हेल्प फाइनेंस कर सकती है, बिजनेस जी, फ्रेंड्स भी दे सकते हैं। तो बिजनेस इनको सपोर्ट करेगा, ऐसे नेटिव को। तो कुछ एनर्जी हमने ऐसे समझनी होती है। डन जी सर जी। अब मान लो कोई सी नेटिव का नाम, किसी नेटिव का नाम संजय है, तो संजय के बारे में आप एस की एनर्जी से, फर्स्ट अल्फाबेट से क्या प्रिडिक्ट कर सकते हो? एस की एनर्जी बताओ बोरा साहब, के एस की एनर्जी किस, जी, क्या क्या हो सकती है? एनर्जी मतलब फर्स्ट अल्फाबेट इसका क्या रिप्रेजेंट करेगा? यस सर, ये रिलीजियस होगा, काउंसिलर जी, काउंसलिंग अच्छा करता होगा गुड। और सर, नॉलेजेबल होगा, क्रिएटिविटी होगी नॉलेजेबल, और एबिलिटी यस। तो नंबर मतलब ऐसे नेटिव का फर्स्ट अल्फाबेट से आप देख सकते हो कि क्या क्या करेगा। अब होगा। अल्फाबेटिकल नॉलेज से हम समझेंगे। मान लो किसी नेटिव का नाम संजय है, किसी नेटिव का नाम संजय है, तो संजय के नेम में फर्स्ट पार्ट में पहले पे एस आ रहा है, राइट। तो इसकी एनर्जी क्या होगी? मतलब अरेंजमेंट ऑफ अल्फाबेट, अब इसकी एनर्जी क्या होगी? याद है जी, और ये गुड काउंसिलर और गुड टीचर होगा। नंबर और ए की वैल्यू सेकंड नंबर पे आ रही, तो अब एनर्जी क्या होगी? मतलब ए अल्फाबेट अगर सेकंड नंबर पे होगा, तो इसकी एनर्जी क्या होगी? गुड फैमिली लाइफ होगी सर, गुड फैमिली लाइफ। यस। तो गुड फैमिली लाइफ को आप इसको बता सकते हो कि ऐसे नेटिव की फैमिली लाइफ अच्छी रह सकती है, ठीक है। अगर एन थर्ड नंबर पे है, तो क्या एनर्जी होगी? कैरियर सर करियर में अप अप्स एंड एंड डाउन, डाउन एक एक करके बोलो आबाजी। सर, करियर में अप एंड डाउन रह सकते हैं उनके। यस, तो आप नेम से इतनी डीप जा सकते हो, ठीक है। अग्रवाल साहब, जे अगर फोर्थ पे होगा, जे अल्फाबेट अगर फोर्थ नंबर पे होगा ऐसे नेटिव का, तो क्या एनर्जी हो सकती है? सर हर्डल इन तो एजुकेशन, संजय को यूजली एजुकेशन में इश्यूज हो सकते हैं, आप कह सकते हो, लेकिन मैटर करता है डेट ऑफ बर्थ भी। तो लेकिन ये जनरल प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे हम कि ऐसे नेटिव नेम से आप क्या प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो हर्डल एजुकेशन में हो सकती है। अगर ए फिफ्थ नंबर पे आएगा, तो क्या एनर्जी होगी बोरा साहब? ये हायर एजुकेशन या और ट्रैवलिंग भी होगी इनकी, या यस, घर से यानी दूर कि एजुकेशन हो सकता यस। तो जे की वजह से हर्डल इन एजुकेशन, अब ए आ गया, यहाँ पे दोनों को कंबाइन कर दिया, ऐसे नेटिव की पढ़ाई जो होगी वो घर से दूर होगी, दूर हो सकती है, और हर्डल्स आ सकते हैं पढ़ाई करते वक्त, ठीक है। वाई वाई लास्ट में है, सिक्स नंबर पे वाई होगा, तो क्या एनर्जी होगी? सर। एक्सपेंसेस बढ़ सर जाएंगे, कर्जा भी हो सकता है, कर्जा भी हो यस, सकता एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, यानी कि एक नेम को हम कितने तरीके से तोड़ सकते हैं, और सिर्फ नेम से एनर्जी, नेम की एनर्जी से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ऐसे नेटिव की जनरल क्वालिटीज क्या होगी। अब इस नेटिव का एक्सप्रेशन नंबर क्या होगा? जी, एक्सप्रेशन नंबर का फॉर्मूला क्या है? सर। टोटल वावल इन योर नेम, ठीक यस सर है। तो मान लो संजय नाम है किसी नेटिव का, तो वोवल्स क्या, कौन कौन से हैं? सर ए ए एंड ए यस, इनके एनर्जीज क्या है? सर, वन एंड वन, एक वन यस, वन वन एंड एंड वन वन, टू टू, तो सर टू मोस्टली नंबर, यानी पॉजिटिव। यस यस।
मून की क्वालिटीज होंगी, तो संजय नाम का जो नेटिव होगा, अब मैटर करता है कोई कुमार लगाता है, कोई बहुत सारे सरनेम लगाता है, ठीक है, तो टोटल हमने देखना है, मेन है अभी हम फर्स्ट नेम को ही ले रहे हैं, ओके। तो संजय की जनरल क्वालिटीज हमने टू की देखी, मतलब ऐसा नेटिव अपने आप को केयरिंग दिखाता होगा, मदरली हर्ट नेचर होगा, माँ की तरह प्यार करता होगा, माँ की तरह केयरिंग होगा, लेकिन अंदर से ऐसा नेटिव क्या है, तो कॉन्सोनेंट तुम्हें पता ही है 21 होते हैं, तो मान लो संजय नाम है, अग्रवाल साहब बताओ इसका इंप्रेशन नंबर क्या होगा? SNJY कौन कौन से हैं कॉन्सोनेंट? SNJY सर एक आएगा एक आएगा, वो तो ठीक है, इनके अल्फाबेट की एनर्जी बताओ। सर, S की एनर्जी है 3, यस, एन की एनर्जी N की 5 जी, सर, J की 1 यस, और Y की अगेन 1 सर, तो टोटल क्या आता है? 10 1, ठीक है। ऐसा नेटिव क्या होगा? किंग लाइफ जीने वाला होगा, सन की एनर्जी इंग्लैंड होगी, डोमिनेटिंग होगा, ख्याल रखने वाला होगा, मुखिया हो सकता है पावरफुल फैमिली की, होगा, लीडरशिप लीडरशिप क्वालिटीज होगी, ओके। तो ये क्वालिटीज इस नेटिव के पास हो सकती है। इस नेटिव को मान लो संजय को कौन हेल्प करेगा बुरे समय में? होगी। मान लो संजय, संजय बुरा नाम है इसका, एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं क्योंकि हम तो पढ़ने के लिए ले रहे हैं, ठीक है, थीके? तो संजय और बोरा, ओके, तो इनकी कौन कौन सी अल्फाबेट है सर एस बताओ? एंड बी, एस की 3 और बी की एफ 2 तो 5 नंबर इसको भी नंबर 5, बहन बेटी बुआ हेल्प कर सकती है, ठीक है। ऐसे नेटिव की फ्यूचर नंबर क्या होगा? फॉर एन एग्जाम्पल, फ्यूचर नंबर क्या होगा, एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं, मान लो ऐसे नेटिव का भाग्यांक 7 है, अभी हम डेट ऑफ बर्थ नहीं ले रहे, तो ऐसे नेटिव का फॉर एन एग्जाम्पल भाग्यांक 7 है, नंबर 7 है, तो ऐसे में क्या होगा, तो नेटिव का जो नेम नंबर होगा, नेम नंबर प्लस भाग्यांक, तो नेम नंबर संजय का क्या बना? सर 3 सर अल्फाबेट की एनर्जी बताओ। S3 A1 जी N5 J1 A1 Y1 टोटल 12 इक्वल्स टू 3 +7, यहाँ पे भाग्यांक को भी जोड़ना है, अब जोड़ो 3 + 7, 10 वही सन आ गया दोबारा वन। यस। तो ऐसे नेटिव की फ्यूचरिस्टिक जो थॉट प्रोसेस होगी वो क्या होगी कि मैं अपनी लाइफ में जो ग्रोथ चाहता हूँ वो सन जैसी हो, मींस फ्यूचर मेरा सन से रिलेटेड हो, मैं पावरफुल चीजों में जाऊं, ठीक है, ओके। तो इन चीजों को आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं किसी के नेम से। नेक्स्ट जो नेम पे जो हम प्रैक्टिस में आपको करवा रहा हूँ, वो नेक्स्ट नेम है संतोष। मान लो किसी नेटिव का नाम संतोष हो, तो एस की एनर्जी तो तुम्हें पता ही है, राइट, हम एस संतोष, ये बताओ ऐसे नेटिव का सोल्यूशन नंबर क्या होगा? सोल्यूशन नंबर इजी है, हैबिट नंबर बताओ, ऐसे नेटिव का हैबिट नंबर क्या होगा? सेवन जी, सेवन 7 नंबर, सॉरी यस। तो ऐसे नेटिव का संतोष का जो हैबिट नंबर है वो क्या होगा? 7, यानी कि ऐसे नेटिव की हैबिट्स कैसी होंगी? सर, रिसर्च गुड, में स्पिरिचुअल होगा, रिलीजियस होगा, एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट होगा। एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट होगा, मंत्र सिद्धि में इंटरेस्ट होगा, क्योंकि शेलेडे न्यूमरोलॉजी में प्लैनेट्स की एनर्जी को भी यूज किया जाता है, ठीक है, रिसर्च, डिजिटल मार्केटिंग और किसी भी चीज ब्रांड बनाने में, ठीक है, इस टाइप की चीजों में इंटरेस्ट होता है, ओके। ऐसे नेटिव के इंप्रेशन नंबर क्या होगा? संतोष का इंप्रेशन नंबर क्या होगा? कॉन्सोनेंट स्क्वायर करेंगे कॉन्सोनेंट जी बताओ। सर, SNSCN सर, जी, SNTSH
एस एन और टी टी एस एच जी, इनकी एनर्जी बताइए। सर, सर एस की एस की एनर्जी है थ्री। थ्री, हाँ जी बताओ सर एस की एनर्जी है थ्री, जी। एन इज फाइव, जी सर टी इज फोर, एस इज थ्री जी और सर एच इज फाइव, ट्वेंटी। यस। तो इसका टोटल क्या हुआ? तो ऐसा नेटिव कैसा होगा संतोष नाम का? अंदर से नेटिव का स्वभाव कैसा होगा? चंद्र का। चंद्र की क्वालिटीज आप सॉफ्ट जानते हो, सॉफ्ट स्पोकन, सॉफ्ट इमोशनल, केयरिंग, लविंग। केयरिंग। ठीक है, अब मैटर करता है मान लो कोई अलग सरनेम हो तो उनको भी टोटल करना है। ठीक है, फॉर्मूला वैसा ही सेम ही है। ओके, लेकिन संतोष अपने आप को एक्सप्रेस कैसा करेगा? मान लो संतोष को एक्सप्रेशन नंबर है जो संतोष का, वो कैसा होना चाहिए? संतोष करेगी या करेगा अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करेगी? तो वो वाला को ले हो? सर जी उनका हाँ, ए और सर 1 एंड 7 8। यस, इसका टोटल 8। अपने आप को गंभीर, ओके, गंभीर शो करने की कोशिश करेगा, पावरफुल शो करने की हार्ड कोशिश वर्किंग करेगा, होगा हार्ड वर्किंग होगा, सर, मेहनती होगा, है ना? ऐसा शो करेगा कि मैं बहुत ज्यादा मेहनत करती हूँ लेकिन ऐसे नेट करता हूँ। तो ऐसे नेटिव का जो इम्प्रेशन नंबर है वो नंबर 2 आ रहा है। ठीक है, तो इमोशनल होगा, अपने काम का क्रेडिट लेना चाहेगा, इमोशनली अटैच होगा, लोगों का भला करेगा, ये क्वालिटीज हो सकती है। चलो संतोष का नेम नंबर निकालो, नेम नंबर निकालो संतोष का, क्या होगा? मान लो संतोष हमारे पास आ जाता है तो संतोष के लिए हमने क्या नेम, इसका टोटल आता है वो बताओ। एस की वैल्यू बताओ, थ्री, ए की वैल्यू, वन, एन की वैल्यू जी, फाइव, अटी जी की फोर, फोर की सेवन, एस की थ्री, एच की फाइव, करो टोटल। जिस सर 1 28 से 1 ट्वेंटी यस, एट ठीक है। तो ऐसे नेटिव का नंबर जो है वो नेम नंबर 1 आता है। अभी हमने ग्रिड भी बनाना है। ठीक है, होप सो तुम्हें इतना समझ आ गया होगा कि नेम की एनर्जी से आप क्या क्या प्रिडिक्ट कर सकते हो क्लाइंट को। ठीक है, यस सर, अब अभी यस इसी सर, नेम में देखो, ए सेकंड नंबर पे आ रहा है तो अब इसकी सेकंड प्लेसमेंट होगी जब भी ए की, तो उसकी क्या सर क्वालिटीज होंगी संतोष की, आप गुड क्या बता फैमिली सकते हो? लाइफ, गुड फैमिली लाइफ, यस, गुड फैमिली लाइफ हो सकती है। ठीक यस सर, है, और आप टी आ रहा है इसके 4 नंबर पे, तो टी की क्वालिटीज क्या होंगी? टी अगर 4 नंबर पे आए, 4th नंबर पे आए किसी के नेम में, तो आप क्या बता सकते हो? गुड गुड कैश फ्लो, गुड कैश फ्लो, कैश फ्लो अच्छा होगा, यस सर, मींस जब क्लाइंट आए तो आप उनको बता सकते हो कि आपका नेम इन एनर्जीज को गवर्न करता है, यस आप सर, कुछ स्पेसिफिक रेमेडीज से इनका फायदा ले सकते हैं, लेकिन जब आपका जो नाम रखा गया, मींस जो आपका नाम रखा गया वो इन एनर्जीज को लेके बैठा हुआ है, उसको एक्टिवेट करना जरूरी है, उसको एक्टिवेट रेमेडीज से करेंगे। ठीक है, अगर इनका फायदा नहीं मिल रहा। 6th नंबर पे ऐसा आया हुआ है तो एस की क्वालिटीज क्या होंगी? 6th पे ऐसा आएगा किसी नेटिव की कुंडली में तो क्या होगा? एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे और कर्जा कर्जा रहेगा, बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, कैश फ्लो होगा, यहां पर बता रहा है ये। ठीक है, नेम खुद ही लेके बैठा हुआ है कि एक्सपेंसेस भी बढ़ा देगा, राइट? तो ये दोनों एनर्जी को नेटिव को बताना है कि आपका कैश फ्लो अच्छा रहेगा लेकिन कर्जे बढ़ने के चांसेस है, इसलिए कंट्रोल करना सीखें। ठीक है, ये आपको नेम से बताना है। एच लास्ट में आ जाएगा तो क्या होगा? 7वें नंबर पे, 7th नंबर पे एच होगा तो क्या होगा, क्या क्वालिटीज होंगी? सर गुड रिसर्च एबिलिटी एंड विजडम, यस, तो ऐसे नेटिव को रिसर्च के लिए आप बोलोगे कि आप
रिसर्च करें, नई नई चीजों में हाथ ला लें, नई नई चीजों को सीखें, आप में के अंदर एबिलिटी है। अगर नेटिव का ऐसे पे कर्जा भी है तो नेटिव अपनी एबिलिटी से उतार लेता है, ठीक है, ग्रोथ कर लेता है। तो नेम की एनर्जी तुम्हें इतनी अच्छे से समझ में आ गई कि एक नेम से आप क्या क्या प्रिडिक्ट कर सकते हो, उसकी क्वालिटीज को बता पाएंगे। ओके, मान लो किसी नेटिव का नाम श्री है, लास्ट नेम है ये SRI, बहुत कॉमन नेम है श्री, किसी नेटिव का श्री नेम है, तो ऐसे नेटिव का आप क्या बताओगे? ठीक है, ऐसे नेटिव का आप क्या बताओगे, क्या क्या बता सकते हो? सर पहले नेम उसका नंबर, नेम नंबर यस, 6 आ जाएगा। थ्री अल्फाबेट की टू वन, एनर्जी बताओ। यस, एस की अल्फाबेट थ्री, आर जी। की टू और आई की हाँ, वन, तो उसका नेम नंबर 6 आ गया। लग्जरी यस, को ओके, पसंद करने वाला होगा। यस, लग्जरी को पसंद करने वाला होगा। और तो रोमांटिक होगा, लग्जरी को पसंद करने वाला होगा, ब्रांडेड चीजें यूज करता होता है। होगा, फाइनेंस में अच्छा होगा क्योंकि वीनस यस, फाइनेंस रिप्रेजेंट मनी फ्लो करता अच्छा है। होगा। यस, तो आप ऐसे नेटिव को प्रेडिक्ट कर दोगे। और किसी नेटिव का SRI, श्री, आर सेकंड नंबर पे आ रहा होगा तो क्या बोलोगे, उसकी क्या एनर्जी होगी, क्या सर प्रेडिक्ट कर इमोशनल सकते हैं? होगा, सेंसिटिव होगा, ओवर इमोशनल एंड सेंसिटिव, इमोशनल हो सकता है। सेंसिटिव होगा, आई थर्ड नंबर पे आता है तो क्या एनर्जी होगी? गुड गुड इंटेलेक्चुअल होगी, इंटेलेक्चुअल एजुकेशन, होगा, अन इंटेलेक्चुअल। गुड एजुकेशन हो सकती है, इंटेलेक्चुअल भी हो सकता है। तो ऐसे आप हर किसी नेटिव का नाम लेके उनके बारे में प्रिडिक्ट कर सकते हो, उनके बारे में क्वालिटीज गिनवा सकते हो। ठीक है, ऐसे नेटिव का एक्सप्रेशन नंबर क्या होगा बताओ? वन, ठीक सर एक्सप्रेशन नंबर है, वन वन आई की वैल्यू वन वो क्या है? वन, एक्सप्रेशन वन नंबर वन होगा। तो मीन्स ऐसा नेटिव अपने आप को पावरफुल दिखाने की कोशिश करेगा क्योंकि इंटेलेक्चुअल होगा, एजुकेशन भी अच्छी है, तो ये क्वालिटीज ऐसे नेटिव में होगी। ओके, चलो, सर इम्प्रेशन नंबर 5 होगा। ऐसे नेटिव की जो हैबिट होगी वो कैसी होगी? हैबिट सर थ्री जुपिटर जुपिटर यस, जैसे, जुपिटर जैसी हैबिट होगी क्योंकि नॉलेजेबल होगा, वो तो हमें अल्फाबेट नॉलेजेबल ने यहाँ पे बता ही दिया, गुड एजुकेशन, तो होगा। यहाँ पे बता दिया कि नंबर 3 की क्वालिटीज होंगी, तो एजुकेशन में लगभग ये बच्चा अच्छा हो सकता है। मैटर करता है अभी और कुछ भी, ठीक है, मैटर करता है कि हम एक ग्राफ बनाते हैं जिस ग्राफ की वजह से नेम की एनर्जी का पता चलता है कि वो कितने ऊपर नीचे जा रही है। ऐसे वो तो 7 तरीके हैं नेम चेंज करने के, लेकिन अभी तक हमने जो सीखा कि एक नेटिव का जो नेम है वो नेम से आप कम से कम 15 से 25 बातें प्रिडिक्ट कर सकते हो। इज एम राइट? कर दोगे यस प्रिडिक्ट, सर जी सर क्वालिटीज गिनवा दोगे? गुड, जी सर जी सर ठीक है, नेम की क्वालिटीज को हमने समझना है। ओके,